हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवीएन नॉलेज। लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी हैव स्टार्टेड टू फाइव पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। टुडे वी स्टार्ट द प्रीपोजिशन। आज हम प्रीपोजिशन से शुरू करेंगे। प्रीपोजिशन एज हर नाम नेम शोज पोजिशन। नाउन लिंकिंग वर्ड टू अदर वर्ड्स। जो लिंकिंग वर्ड है वो ही आपके क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन कहलाएंगे। जो नाउन का लिंक किससे करेंगे? अदर वर्ड से करेंगे। एंड अदर वर्ड कैन बी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन टेल्स अबाउट द पोजिशन विद अदर वर्ड्स, दैट इज प्रीपोजिशन। एंड वी अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। मैनी प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर, बिकॉज, दैट इज प्रीपोजिशन। और इन्हीं का आज हम स्टडी करेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रीपोजिशन विद इन। तो इसका हम यूज देखेंगे कि इनका जो यूज होगा वो कहाँ कहाँ, कौन कौन से सेंटेंसेस में होगा। तो फर्स्ट है आपका, जो भी बिग सिटीज के नेम होंगे, जो भी आपके बड़े शहर या बड़े नगर जो होंगे, उनके नाम से पहले हमेशा किसका यूज करोगे आप लोग? प्रीपोजिशन इनका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई लिव इन जयपुर। दैट इज इनका यूज हमने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि ये क्या है, एक बिग सिटीज है, इसलिए इससे नाम से पहले आपका किसका यूज होगा? इनका यूज होगा, क्योंकि ये एक बड़ी सिटीज के, बड़ी सिटी में शामिल है। तो जब भी कोई बड़ी सिटी आएगी तो आप उसका यूज इनके यूज में करोगे, तो वो यहाँ पर यूज किया जाएगा इन। सेकेंड आता है आपका पोजिशन। जब भी आप कोई भी अंदर की स्थिति बताओगे, फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कभी अंदर आते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन। तो जो कम इन है ये सिचुएशन बताता है कि आप अंदर आना चाहते हो, आप परमिशन ले रहे हो, या कोई चीज पहले से अंदर है। जैसे ही इज इन द रूम, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा ही इज इन द रूम, यानी वो पहले से अंदर है, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। तो जब भी आप पोजीशन बताओगे इनकी, अंदर की, तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपका बिफोर ईयर और मंथ नेम। जब भी आपको कोई ईयर दिया जाए या कोई मंथ आएगा, उसके नेम से पहले भी आप किसका यूज करोगे? प्रीपोजिशन इनका यूज करोगे। जैसे आई केम इन जनवरी, तो यहाँ पे मंथ का नेम है, या फिर कोई भी आपका ईयर आ जाता है तो आप यहाँ पे इनका यूज करोगे। दैट इज यूज ऑफ इन। नाउ अदर एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ इन, पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम का यूज करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे इनका। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा इन द मॉर्निंग, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। इन द इवनिंग, जब पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आप वहाँ पे यूज करेंगे इनका। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पे यूज होता है एट का। तो ये आपका यूज होगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट आता है आपका ड्रेसेस। जब भी आप कोई पोशाक या परिधान में होते हो, जैसे इन साड़ी, इन जीन्स टॉप, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे इनका। तो ड्रेसेस के लिए आप जब भी यूज़ करोगे तो इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट आता है आपका एक यूज़, चेयर वगैरह पर बैठने के लिए। चेयर पर और स्टूल पर बैठने में डिफरेंट है। जब आप चेयर पर बैठते हो जिसके कि दोनों साइड में हैंडल लगे हुए होते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करोगे इनका। लेकिन जिन चेयर्स में हैंडल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर आप यूज़ करोगे ऑन का। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि जब आप चेयर का जिसके साइड में हैंडल्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पर यूज़ करोगे इन चेयर का, बिकॉज आप उसके अंदर बैठ रहे हो, उसका एक दायरा है जो उसने हैंडल से रोक रखा है। और जब हैंडल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हो ऑन का। लेट्स स्टार्ट द अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। सेकेंड प्रीपोजिशन यूज ऑफ ऑन, कि ऑन का यूज कहाँ पर होगा? ऑन का यूज सबसे पहले आप जो ऑन का यूज करोगे, जो भी आपके वीक नेम होते हैं, संडे, मंडे, जो भी आपके वीक नेम है, उनके नाम से पहले आप किसका यूज करोगे? ऑन का यूज करोगे। ऑन संडे, ऑन मंडे, आपको वीक के नाम से पहले ऑन का यूज करना है, मंथ के नाम से पहले इन का यूज करना है। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस। जब भी कोई एक थिंग कोई दूसरी सरफेस को टच करती है,
तो आप वहां पर ऑन का यूज करोगे, बट कंडीशन यही है आपकी कि उसकी जो सरफेस है वो आपस में टच करनी चाहिए। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे जो कैट है वो टेबल के ऊपर है और दोनों की सरफेस जो है वो टच कर रही है, यानी वो एयर में नहीं है, उन दोनों की सरफेस टच कर रही है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करोगे? ऑन का। नेक्स्ट जो यूज ऑन का आता है वो आता है कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन के नाम से पहले, जैसे कोई भी हमारा फेस्टिवल है ऑन दिवाली, ऑन होली, या कोई भी आपका और अदर ओकेजन है तो वहां पर आप यूज करोगे ऑन। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन यूज ऑफ एट, एट का जो आप यूज करोगे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में इनका यूज होगा और पॉइंट ऑफ टाइम में एट का यूज होगा। जैसे एट नून, एट आफ्टरनून, ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, इसलिए आप इनके नाम से पहले, इनके यूज से पहले एट का यूज करोगे। नेक्स्ट आता है आपका विलेज टाउन नेम, जो भी छोटे नगर होंगे, छोटे विलेज होंगे, टाउन होंगे, उनके नेम से पहले आप यूज करोगे एट का, एंड बिग सिटीज के नाम से पहले यूज करोगे इनका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बिग सिटी है उसके नाम से पहले हमने इनका यूज किया, लेकिन उसी बिग सिटीज में जो टाउन है या अदर जो कॉलोनी है उसके नाम से पहले हमने यूज किया है एट का। नेक्स्ट आता है आपका कोई भी चीज अगर आपके पास में हो उसके लिए आप जब यूज करोगे एट का, जैसे शी इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे एट का। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के, जिसमें मैंने आपको आज तीन प्रीपोजिशन करवाई। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो हम हमारे अगले वीडियो में करवाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।